तो हॉस्पिटल का सीएम रिलीफ फंड से नहीं आया क्या? एक तकिया, एक तकिया का इंतजाम करो मानो, एक घोरा एक तकिया का इंतजाम। और इमाम मोहसन के भी पूरे 5,000 रुपए आ रहे हैं इमाम को भी। मैं नहीं बात ऑप्शन नंबर है हमारे आ जाओ सबको बोलो बोल भी इधर इधर से आ जाओ और इंशाल्लाह भाई कर दो आपको ऑनलाइन करें ना पढ़ाएंगे तो वो ला के दिए सब लेके घर के हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। ये भी रास्ता ही मगर रास्ता नहीं जैसा हो गया आज हमारे यहाँ पर जो सैयद हुसैन साहब है वो लोग का एक वफा जगतियाल मेरे रियाज यहाँ पे तशरीफ लाया था और यहाँ पर ख्वाहिश की थी कि हुसैन नगर का दौरा करें और हम लोग तमाम जमात में शामिल होना चाहते हैं। तो हम लोग आज हमारी टीम के साथ हमारे काउंसलर्स के साथ मैं यहाँ पर तशरीफ लाया हूँ। मुझे आप लोगों की मोहब्बतें देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये हुसैन नगर। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस गाँव के जो नाम रखा गया है हुसैन जो नाम है ये बुजुर्गान दीन का हमारे जो अहले बैत है उसमें से ये नाम है तो वो नाम की बरकत से अल्लाह ताला इस गांव के तमाम परेशानियों को दूर कर दे तमाम मसलों को हल कर दे। हाँ और हमारे जो हजरत है यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं अल्लाह ताला उनके हजरत साहब की मौजूदगी से मैं आप तमाम के मोहब्बतों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मसले हैं यहाँ पर अब जब बताए यहाँ पर सीसी रोड्स नहीं है हम लोग बराबर हमारे जो कायद हैं हमारे जो सदर मोहतरम हैं नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से हम लोग नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए ज़िले कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए इस गांव की तरक्की के लिए हमारी तरफ से जो इकदाम करना है हम ज़रूर करेंगे। ये हमारे अपने भाइयों का गाँव है अपने भाई हैं आप लोग हमारे आप हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे हमारी माँ इज़्ज़तदार माएँ बहन बहनें हैं हमारी ये हम ज़रूर इनके जो तकलीफ़ें हैं अभी बताए कि पट्टा नहीं हो रहा कि कोई ताकत नहीं रोक सकती हमारा को जमहूरी हक है हम इस मुल्क के शहरी हैं हम हर चीज़ के लिए लड़ सकते हैं जमहूरी अंदाज में अगर जो पट्टा नहीं हो रहा पैसा नहीं होता आप चलिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लेके आइए मैं इंशाल्लाह कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करके ये मसला हल कराऊँगा।